ना ही मैं आपको हैरी पॉटर की एग्जांपल दी है। इसी तरह हर स्टोरी का एक अलग तरीका है, ये नहीं कि उसके दो पॉइंट, इट इज हैविंग मोर देन टू पॉइंट। अब वो अलग बंदे की सोचा, अब वो पॉजिटिवली ले, नेगेटिवली ले, अब वो बोथ साइड से। अब क्रिटिकल थिंकिंग से हम अलग अलग सोच रखे, हम पॉजिटिव भी रखें, नेगेटिव भी रखें, अलग होनी चाहिए, दैट मीन्स अ क्रिटिकल। और फ्लैट थिंकिंग आजकल लोग एक साइड से देखते हैं, वो या तो नेगेटिव ले लेते हैं या पॉजिटिव ले लेते हैं। ज्यादातर लोगों को ऐसा आना चाहिए कि वो दोनों तरफ से लें और दोनों तरफ से एक ही इंसान को अप्रिशिएट करें कि वो दोनों तरफ से ठीक था। In our society, we do not need people who think like everyone else does. We need people who think creatively, innovatively, differently than everyone else. We can't laugh at someone because they're different. We have to appreciate that they're unique and they think in a separate point of view. Okay, wonderful. Critical thinking say society mein problems kam ho jati hain. You just said कि क्रिटिकल थिंकिंग से मुराद ये है शायद कि हमें अपने अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों रखना है। क्रिटिकल थिंकिंग से मुराद, बेसिकली यू यूज क्रिटिकल थिंकिंग एज अ टूल। क्रिटिकल थिंकिंग इज व्हाट इट इज अ टूल। टूल्स जिस तरह के आपने हैमर्स देखे होंगे, ठीक है, तो हथौड़ी जो है उसके साथ आप क्या करते हैं नॉर्मली, आपने कोई चीज तोड़नी हो या किसी चीज में कील के साथ कील ठोंक कर किसी चीज को जोड़ना हो तो यू यूज व्हाट, you use your tools, you use your tools for that, right? अब hammering करते हैं। बिल्कुल इसी तरह critical thinking जो है वो भी आपकी एक tool है, ठीक? अगर आप flat thinking करते, आप thinking करते क्यों हैं? You think about things to come to a process and that process may lead you to a decision, ठीक है? So आपने जिंदगी में बहुत सारे, आपकी जिंदगी जो है वो बहुत सारे फैसलों पर मबनी होती हैं। आपकी जिंदगी की कामयाबियां या आपकी जिंदगी की नाकामियां जो होती हैं वो आपके बहुत सारे फैसलों के मरहूने मिन्नत। अगर जिंदगी में आपको बहुत सारे लोग जो हैं वो शायद नाकाम नजर आते हैं तो वो नाकाम क्यों है, क्योंकि शायद उन्होंने अच्छे से फैसले किए थे या उन्होंने फैसले गलत टाइम पर किए थे। और जिंदगी में अगर आपको कुछ लोग कामयाब नजर आते हैं तो ऐसा क्यों है, उनकी जिंदगी के डिसीजंस की वजह से, कि उन्होंने अच्छे फैसले किए और अच्छे वक्त पर किए, कि जिसकी वजह से, देखो अगर आप इफ यू आर अ फार्मर और आपने बीज बोए हुए हैं अपनी फसलों में, अपने खेतों में आपने बीज बोए हुए हैं, और अगर किसी एक महीने की 15 तारीख को उन बीजों को पानी देना जरूरी है, अगर आपने 15 से लेकर 18 तारीख तक उन बीजों को पानी नहीं दिया तो वो जो बीज आपने फर्ज करो बीच में बोया वो बीज डेड हो जाएगा, ठीक। अब आप ये फैसला करते हैं कि मेरा मेरे दोस्त की शादी पर जाना बहुत जरूरी है और वो शादी जो है वो, सुनिए, वो शादी जो है वो लेट से 18 तारीख को ही है और शादी पे जाना भी आपने किसी और गांव में है, आप शादी पे चले भी जाते हैं 18 तारीख तक जो है, या तो फिर होना ये चाहिए था कि आप 15 को ही बीज बो लेते या 16 को बो देते या 17 को बो देते, या फिर आप शादी पर जाने से इनकार करते और 18 क्योंकि लास्ट डेट थी तो 18 को तो जरूरी बीज आप बो देते वहां पे, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। 15, 16, 17 भी गुजर गई, 18 को आप शादी पे चले गए। जब आप शादी पर गए तो दोस्त ने ये कहा कि अब तुम यहां पर रात रह कर जाओ, यार मेरी शादी को रोजाना रोजाना थोड़ी होनी, तो यू स्टेड देयर ओवरनाइट और फिर दो दिन के बाद आप वहां से वापस आए, आपको अपने घर वापस आते हुए 20 तारीख हो गई, बट बाय द टाइम यू रीच्ड होम वो बीज जो थे उनकी मियाद जो थी वो खत्म हो चुकी हुई थी। अब आप जितना मर्जी पानी उनमें डाल लें वो बीज जमीन में डेड हो चुके। वी आर जस्ट टेकिंग एन एग्जांपल। सो दिस इज क्रिटिकल थिंकिंग, कि आपने फैसला करना होता है चीजों में, ठीक है, और फिर आपने ये भी फैसला करना होता है कि कौन से टाइम के ऊपर मैंने ये काम कर गुजरना है। अस्सलाम वालेकुम। आज जो बड़ा मजे का टॉपिक मिला था क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में, जो सबसे पहले मेरे दोस्त मेरे साथी आपको क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में बताना चाहेंगे। क्रिटिकल थिंकिंग ऐसे होती है जैसे वुसत नजर हम इन्हें कह सकते हैं। सबसे पहले आउट ऑफ द बॉक्स, आउट ऑफ द सिचुएशन जाके सोचना, एक पहलू के हर सिचुएशन के दूसरे पहलुओं से देखना, इसके ज्यादा से ज्यादा उसकी वो पॉसिबिलिटीज निकालना क्रिटिकल थिंकिंग कहलाता है।
क्रिटिकल थिंकिंग की बहुत सारी ब्रांचेज होती हैं। आप क्रिटिकल थिंकिंग को एक बिग ब्रांच, एक बड़ा ट्री नहीं कह सकते हैं। जैसे हर ट्री की बहुत सारी ब्रांचेज होती हैं, क्रिटिकल थिंकिंग की भी आगे सब ब्रांचेज हैं। उनके अंदर आज जो मैं जिनके ऊपर बात करना चाहूंगा, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, और दूसरों को उनकी दूसरों के जूतों के अंदर पैर रख के सोचने की थिंकिंग के बारे में करना चाहूंगा। सेकेंड क्वेश्चन, हाउ द क्रिटिकल थिंकिंग इज डिफरेंट फ्रॉम फ्लैट थिंकिंग। फ्लैट थिंकिंग से इसलिए ऐसे मुख्तलिफ हो सकती है कि क्रिटिकल थिंकिंग में हम एक अलग पहलू से जाकर सोच लेते हैं, एक अलग नजर से जाकर सोचते हैं, और हम दूसरे सर्कमस्टांसेस में देखते हैं कि यहाँ अगर यह सिचुएशन कौन सी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कौन सी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए दूसरी चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है या पहली चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए क्रिटिकल थिंकिंग ऐसे हम फ्लैट थिंकिंग से हम डिफरेंट समझते हैं। दूसरा जो थर्ड क्वेश्चन था उसके अंदर था प्रैक्टिकल लाइफ के बारे में, तो मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के बारे में कहना चाहूंगा। सनी एक एग्जांपल दी थी दो फार्मर्स की, वो उनके दो अलग पर्सपेक्टिव थे। अली उनके दरमियान से गया, जिनके अली के पास जो थी ना उसने दो कलर के कपड़े पहने हुए थे, एक साइड पे था रेड एक साइड पे था ब्लैक। ये अली है जिसको मैं अभी ड्रॉ कर रहा हूँ, इस साइड पे था रेड और इस साइड पे थे ब्लैक। अब जब अली जो दोनों फार्मर्स थे उनमें से एक ने जब अली कहीं जा रहा था, लेट से वो वॉशरूम जा रहा था क्योंकि गांव के अंदर दूर होते हैं, तो उन्होंने देखा वो दोनों साइडों पे काम कर रहे थे। एक ने कहा यार इसने तो काले कपड़े पहने, दूसरे ने कहा यार इसने लाल कपड़े पहने, उनका झगड़ा हो गया। ये बड़ी मजे की बात। अब वो अली जब वॉशरूम गया उसने देखा यहाँ पर तो पानी नहीं है, वो पानी लेने वापस गया, तो जब पानी लेने गया उन्होंने दूसरे ने देखा यार इसने वो वाला फबास ही करा, शायद मेरे से भूल होगी, शायद मैं काम करके थक गया। तो उसने कहा यार नहीं तुम सही थे, उसने लाल कपड़े पहने थे। अगला कहता है यार तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, पहले काले कह रहे थे अब लाल कह रहे थे, उसने काले पहने थे। तो अगर इन दोनों में से एक भी क्रिटिकल थिंकिंग करता ना, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करता, वो कहता शायद उसने दो रंग के कपड़े पहने, जहां से एक था लेफ्ट की तरफ था उसने रेड और राइट की तरफ था ब्लैक, तो शायद उनकी लड़ाई ना होती। कायदे आजम जब बाहर पढ़ने अपनी स्टडीज करने के गए तो एक गोरे के साथ बैठ के उन्होंने खाना खाना चाहा, तो जो गोरा था ना उसने कहा अपेग एंड अ बर्ड कैन eat on the same table. तो कायदे आजम जो अगर आम फ्लैट थिंकिंग का इस्तेमाल करते वो तनी से बस कह रहे थे, वो शर्मिंदा होकर चले जाते, तो एक तरह से अपनी भी बेइज्जती करा रहे थे और अपने मुल्क की भी बेइज्जती करा रहे थे, अपनी कौम की। तो उन्होंने दूसरा क्या किया, उन्होंने आउट ऑफ द बॉक्स थिंक किया, उन्होंने कहा आई गेस देन आई विल जस्ट फ्लाई अवे। वाओ, व्हाट अ वंडरफुल एग्जांपल, थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स, मेकिंग एंड गिविंग योरसेल्फ मोर चॉइसेस, राइट टू एक्ट, कैरिंग माय पॉइंट। जो चार मेन टॉपिक्स हैं उनमें जो अहम चीज थी वो हमारी पब्लिक स्पीकिंग और कम्युनिकेशन ही है, जिसकी हम बार बार प्रैक्टिस किए जा रहे हैं, राइट। बाकी जो तीन सेल्फ लीडरशिप का टॉपिक है, जो कम्युनिकेशन का टॉपिक है इन इटसेल्फ, और क्रिटिकल थिंकिंग, दे आर द अवेयरनेस सेशंस। आपको पता होना चाहिए कि इन इन स्किल्स के बारे में हमें जान पहचान हमारी बहुत जरूरी है, उससे हमारी जिंदगी में बहुत सारे इश्यूज रिजॉल्व हो जाते हैं। व्हेन वी मूव इन द सोसाइटी आवर एक्शंस आवर वर्ड्स they can either repair our relationships with people or can damage our relationships with people. Our words can repay us back in millions and trillions and billions, and our words can cause us unlimited damages also, right? So what we need to see is, we always need to see what situation we are in. Critical thinking actually means a deeper thinking.